अजहर भाई हैं, इनका सवाल ये था, क्या मगरिब और असर के बीच में दुआ की कबूलियत का वक्त होता है कि जो दुआ कब की जाए वो कबूल होती है? तो असल में दुआ तो हमेशा करते रहना चाहिए, पूरे दिन में कभी ना कभी वक्त तो रहता ही है कि अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल करे, और बाकी बंदे पे डिपेंड होता है कि बाज़ बंदों की दुआ वो जब चाहें कबूल होती है। अक्सर फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआएँ कबूल होती हैं, फ़र्ज़ के बाद फ़ौरन दुआ करें तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। असर मगरिब के दरमियान जुम्मे के लिए तो मशहूर है कि वो दुआ कबूल होने का वक्त है, और ख़ास तौर से मगरिब से कुछ वक्त पहले, और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब तक दुआ की जाए तो वो वक्त जो है ना कबूलियत का रहता है। तो असर मगरिब के बीच में दुआ कबूल होने का मामला मनकूल है, किताबों के अंदर लिखा हुआ है, कर सकते हैं अगर चाहें। ख़ास कर जुम्मे के दिन तो ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो है ना वक्त दुआ से महरूम या खाली ना रहे।